सिंध में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली रियासतों में कलोड़ों की रियासत पहले नंबर पर आती है। हैदराबाद के इलाके हीराबाद में मौजूद ये मज़ार मियां नूर मोहम्मद कलोड़ों के छोटे फर्जंद मियां गुलाम नबी कलोड़ों का है। मियां गुलाम नबी कलोड़ों ने 1775 से लेकर 1776 तक सिंध के ऊपर हुकूमत की और बाद में मीर बिजार खान से लियारी की जंग के मुकाबले में मारे गए। इनका मकबरा पक्की ईंटों से बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 37 फीट 8 इंच और चौड़ाई 29 फीट 6 इंच है। इनका पूरा मकबरा काशी की ईंटों से सजाया हुआ है। मियां नूर नबी कलोड़ों का मज़ार तकरीबन 100 सालों से अवाम का रुझान बना हुआ है। मियां गुलाम नबी कलोड़ों के मज़ार के करीब में ही उनके बड़े भाई मियां गुलाम शाह कलोड़ों का भी मज़ार है जो 1772 में उनके बेटे मियां सरफराज कलोड़ों ने बनवाया। मियां गुलाम शाह कलोड़ों को फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी माना जाता है और मियां गुलाम शाह कलोड़ों का मज़ार हैदराबाद में मौजूद दूसरे मज़ारात के मुकाबले कई ज़्यादा गुना तवज्जो का मरकज बना है। अपने वक्त के बादशाह मियां गुलाम शाह कलोड़ों को मछली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जहां बेघर लोग अपना घर मिलने की मुरादें लेकर आते हैं और पत्थरों से एक घर बनाकर मन्नत करके जाते हैं। लोगों का मानना है कि मछली वाले बाबा के मज़ार पर पत्थरों से घर बनाने पर उनको अपना घर भी मिल जाएगा। मियां गुलाम शाह कलोड़ों का मकबरा बाहर से किले की शक्ल में तामीर किया गया है जिसकी एराजी 234 और 256 फीट बताई जाती है। इस मज़ार के अंदर की दीवारों की लंबाई 21 फीट है और चौड़ाई 12 फीट 6 इंच है। मियां गुलाम शाह कलोड़ों का मकबरा काशी की चमकती हुई ईंटों से सजाया हुआ है जिन पे फूलों की भी खूबसूरत इकसाम बनाई हुई है।